हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रश्न तनाव। प्रश्न तनाव क्या है? प्रश्न तनाव आप कभी वाटर सरफेस देखते हो, पानी की सरफेस देखते हो, या फिर आप कोई लिक्विड बनाते हो उसकी सरफेस देखते हो, उसमें आप क्या देखते हो कि प्रश्न तनाव बहुत मेन चीज होती है। हम एक वाटर बबल फुलाते हैं, वाटर बबल फुलाते हैं उसमें क्या ग्राउंड शेप लेता है। यदि वो वाटर का है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से क्या बहुत जल्दी फूट जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर साबुन अपने मार्जिन डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो क्या है कि वो बहुत अच्छे से राउंड सी शेप देगा और बाद में वो फ्लॉलेस हो जाएगा और हवा में उड़ने लगेगा। ठीक है, आप देखते हो कि ये सब जो रीजन है ये सब प्रश्न तनाव का ही रीजन है। प्रश्न तनाव के कारण ही ऐसा होता है। जब भी हम दूध उबालते हैं तो दूध की सरफेस जब वो उसके अंदर उफान आता है तो वो सरफेस पे आगे तुरंत फैलता नहीं है, पहले वो आता है राउंड शेप लेता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है फैल जाता है। ठीक है, ये सब भी प्रश्न तनाव के अंदर है। ग्लिसरीन है, जितने भी हैवी मटेरियल्स होते हैं इनका प्रश्न तनाव क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि जो इनके ऊपर की सरफेस है वो ऐसी होती है वो उसको खिंचाव में बनाए रखती है। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखवाती हूँ आपको बेटा, लिखिए द्रवों का व्यवहार। पहले प्रश्न तनाव की अवधारणा हेडिंग डालना, द्रवों का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ अन्य बल से भी नियंत्रित होता है, अन्य बल से भी नियंत्रित होता है। यह बल संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट डाल के देखिए बेटा, द्रव पर गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक ऐसा बल कार्य करता है, जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इस बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव की परिभाषा हेडिंग डाल दो, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ पर कम से कम अणु रखने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है, इसे कैपिटल टी से व्यक्त किया जाता है, इसे कैपिटल टी से व्यक्त किया जाता है, मतलब कि ये अपनी सरफेस को बहुत कम करने का प्रयास करता है। कैपिटल टी बराबर होता है एफ अपॉन एल। ठीक है, यदि इसका मात्रक देखा जाए तो कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और यदि मैं इसकी विमा की बात करती हूँ तो विमा क्या होती हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी एम वन एल पर टी माइनस टू, और लंबाई की क्या हो जाएगी एल ऊपर जाएगी।